हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ गौरव अरोड़ा लाइफ फिट। सो आज का व्लॉग है हमारा एक रूटीन व्लॉग। तो पहले मैं जिम गया था, तो जिम से मैं फ्री होके आ गया हूँ, सारा खा पी लिया है, पोस्ट वर्कआउट सब कुछ जो मैं खाता हूँ, लंच भी कर लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पहले सैलून और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे अपने काम के लिए। सो लेट्स गो। ओ भाई ऐसी भीड़, वो भी आज के दिन। आज तो नहीं हो पाया काम, चलो तो भाई घर ही चलते हैं, हम तो बाद में कराएंगे। अब रेडी हो चुके हैं फटाफट, बहुत जल्दी रेडी हो क्योंकि मैं लेट हो रहा था। बस घर से नीचे उतर रहा हूँ और गाड़ी बाहरी खड़ी करके और फटाफट निकलते हैं, अब गाड़ी में बैठते हैं। चलो ये रही हमारी बल्ली नौ। कमेंट करके बताओ किसके अलॉयस कैसे लग रहे हैं, लाइक देम और नॉट। चलो अब चलते हैं। और ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ, वाटरमेलन जूस। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा और मैं लेट हो रहा था तो मैंने सोचा फटाफट ये सात बॉटल चल ले लेता हूँ, जाते जाते पियेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो। ओहो, गेट बंद करना भूल गया, गेट बंद कर देते हैं। चलो 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 आगे गाड़ी में, चलो निकलते हैं फटाफट। चलो तो निकल चुके हैं अब, और सबसे पहले मेरे को जाना है अपने यूनिट। मैंने बताया नहीं है आप लोगों को अपने काम के बारे में। तो मेरा एक किड्स वेयर का ब्रांड है लिटिल चीयर के नाम से, तो आप उसको जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। स्पेशली वो किड्स वेयर है, बट इट्स अ डिज़ाइनर किड्स वेयर ब्रांड, एंड उसकी एज स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 2 to जितना चाहे मर्जी, आप जिस मर्जी एज ग्रुप तक बनवा सकते हो, कोई बड़ा भी चाहे तो उसके लिए भी कस्टमाइजेशन है। तो आज मेरे को जहाँ पे मेरे ये डिज़ाइनिंग होती है और सैम्पलिंग होती है और सारा जो मेरा वर्क जहाँ पे होता है, तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ पहले, और उसके बाद हमारा मूवी का प्लान है। तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी मूवी का प्लान है। ईद आई है और सलमान भाई की मूवी आई है, तो देखनी बनती है आज के दिन। तो हम फिर वहाँ जाएंगे, तो पहले मैं यूनिट पे पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे हम अपना काम निपटाएंगे और उसके बाद हम मूवी के लिए निकलेंगे। सो रास्ते में ही है। तो गाइस ईद है, तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। चलो चला ही जाना चाहिए, तो बहुत दिन हो गए यार, हफ्ते से ऊपर हो गए गए हुए। बियर्ड बहुत ख़राब हो रही है या ठीक है, मुझे तो ख़राब लग रही है, बट कोई नहीं, अब ईद के चक्कर में आज रह गया है, तो अब कोई नहीं, एक दो दिन जब ईद के निकल जाएंगे उसके बाद करवाते हैं, फिर एकदम क्लीन करवाएंगे। और गाइस जैसे आप सबको पता ही है, मैंने अभी कुछ वीक से ही स्टार्ट करा है व्लॉगिंग करना। उससे पहले बस मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव था, बट मेरे को बहुत लोगों ने भी कहा और मेरे को खुद से ही बड़ा मन था व्लॉग करने का, बट मेरे को कैमरे पे बोलना आदत नहीं थी और बहुत शाय भी फील होती है बोलने पे, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कभी कैमरे पे कुछ बोला नहीं है, ना कि अपने कभी रील्स पे। तो मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मैं और धीरे धीरे अच्छा ग्रो होकर अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की ट्राई करूँ और आपको एंटरटेन कर पाऊँ। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब आ चुके हैं हम सिग्नेचर ब्रिज पे, और ये रहा, अब हम इसको क्रॉस करने वाले हैं और साथ साथ हम वाटरमेलन जूस के मज़े ले रहे हैं। ये पड़ा हुआ आधा कर चुका हूँ, चल रहा है, बीच बीच में पीते पीते जा रहा हूँ, मस्त रास्ते में फील आ रही है, लेकिन जूस पीते हुए, ड्राइव करते हुए और साथ ही साथ ब्लॉग करते हुए भी, मल्टी टैलेंट, सही कहा। मज़ा आ रहा है, और ये मेरा फेवरेट जूस है वाटरमेलन। और अब तो गर्मी है, तो मैं घर पे ही बना लेता हूँ खुद ही, और मैं इसे ज़्यादातर रोज़ ही पीता हूँ, बट आई लव दिस थिंग, आई लव वाटरमेलन जूस, सो मैं रोज़ पीता हूँ। आप भी पिया करिए, हाइड्रेट रहे, और ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, स्पेशली फॉर बॉयज़,
जान ही गए क्यों, कि आपका नेचुरल टेस्ट बूस्ट करता है। कीप ड्रिंकिंग। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यूनिट के पास, गाड़ी पार्क कर रहे हैं और फिर हम अपने यूनिट पर जाके आज का काम जो हमें करना है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे मूवी के लिए निकलेंगे। तो साथ साथ हमारा मूवी का भी रिव्यू हो जाएगा इसी बात पे। चलो 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 अंकल, लड़ जाओ, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, सीधी करो। कार पार्क कर दी है तो हम यूनिट पे जा रहे हैं। तो छोटा सा आपको एक क्विक टूर दिखाता हूँ अपने यूनिट का, जहाँ पे मेरी सारी चीज़ें बनती है मेरे ब्रांड की। तो लेट्स गो। तो गाइस हमारा यूनिट का काम तो खत्म हो चुका है, कुछ सामान लेके जाना था तो वो ले लिया है। अब हम अपनी गाड़ी के पास भी पहुंच गए हैं, सामान रखते हैं गाड़ी में और फिर हम निकलते हैं अपनी मूवी के लिए। शाम ही हो गई गाइस निकलते निकलते, यार काम थोड़ा ज़्यादा था तो थोड़ा लेट हो गए, बट अभी हमारा टाइम, हमारा जो शो है थोड़ा अभी उस पर टाइम है। तो हम सीधा अब हम वहीं पहुँचते हैं जहाँ पर हमारा शो है और आपको दिखाता हूँ वहाँ का इंटीरियर, मेरे को बहुत पसंद है, तो लेट मी शो यू। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने इनॉक्स जहाँ पे हम मूवी देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का इंटीरियर, बहुत फैब है। यह है इसकी एंट्रेंस, बहुत कमाल की एंट्रेंस और अंदर का व्यू उससे भी ज़्यादा कमाल का है। देखो बहुत हाइट पे इसकी सीलिंग, पोस्टर्स, आइनॉक्स का साइन, सिग्निया। आई लव दिस इंटीरियर यार, मतलब मज़ा ही आया था जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, और आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का इंटीरियर पसंद है और सीट्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और मज़ेदार है। मूवी देख रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, लग्जरी एक्सपीरियंस आता है। सो आप भी आइए और एक्सप्लोर कीजिए इसको, एक्सपीरियंस कीजिए। कॉफ़ी, अभी तो हमारे शो में टाइम है तो तब तक हम, मैं पहले वॉशरूम में आता हूँ, बहुत देर से जाने का था तो तब रेस्ट रूम चलते हैं। वॉशरूम में भाई शीशा देखते सबसे पहले क्या बन करता है, गेस, फ्लेक्सिंग, लाइटिंग, आइस लैम्प्स। चलो तो चलते हैं अपने थिएटर जहाँ पे हमारा शो है, तो वहाँ चलते हैं और आपको मैं मूवी दिखाता हूँ और खुद भी देखता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँ कि मूवी कैसी लगी और उसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा। तो लेट्स सी। तो ये है यहाँ की सीट्स, आप देख ही सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिक्लाइनर्स है और बहुत कंफर्टेबल है। और हम तो कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए, अब तो बिल्कुल खाली पड़ा है और अभी स्क्रीन भी स्टार्ट नहीं हुई है, बट जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। फुल कंफर्ट, लग्जरी फील्स, नाइस इंटीरियर और अब हमारी मूवी स्टार्ट हो गई है। भाई की एंट्री, कमाल। यहाँ का पॉपुलर पॉपकॉर्न शेक आई एम ट्राइंग। यार इस मूवी में इस सीन की क्या नीड थी मुझे समझ नहीं आया, बल्कि पूरी मूवी ही समझ नहीं आई, पता नहीं क्या ही हो रहा है। बट एक और गाना इस मूवी में, हर 15 मिनट गाना है, ये फोर्थ या फिफ्थ सॉन्ग है जो अभी तक आ चुका है। सो वी आर डन विद द मूवी और क्या ही बोलूँ मैं मूवी के बारे में, आप लोग देखोगे तो जानोगे क्योंकि ये रिव्यू नहीं है मूवी का, बट मेरी मानोगे तो सोच समझ कर ही जाना। सो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आज का व्लॉग भी हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम है तो, और इसके बाद सीधा आप गाड़ी में जाके और सीधा घर ही पहुँचना है। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू गाइस, सब्सक्राइब।